पूरी दुनिया की राजनीति को दरकिनार करते हुए सऊदी अरब और यूएई ने भारत को लेकर बहुत बड़ा फैसला किया है और दोनों देशों के लिए भारत के लिए किया गया फैसला पश्चिमी मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल अमेरिका का न्यूज़ एजेंसी के अनुसार सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में 70 अरब डॉलर के रिफाइनरी प्लांट में पैसे लगाने की बात की है। दोनों देशों का यह प्लांट भारत के महाराष्ट्र में लगाया जाएगा। सऊदी के क्राउन प्रिंस यूएई के दौरे पर हैं और उनकी इस यात्रा में भारत को लेकर बड़ी चर्चा हुई। दरअसल सऊदी के और अबू धाबी के प्रिंस के बीच भारत में 44 अरब डॉलर के प्लांट लगाए जाने के विषय में सहमति बनी थी, लेकिन दोनों ही प्रिंस के नए मुलाकात के बाद यह रकम 70 अरब डॉलर कर दी गई है। दो मुस्लिम देशों के द्वारा भारत में इतना बड़ा प्लांट लगाने के फैसले को लेकर चीन और पाकिस्तान के साथ पश्चिमी देश सकते में हैं। अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि मोदी सरकार के शासनकाल में मुस्लिम देशों का भारत के प्रति विश्वास कई गुना बढ़ गया है और पाकिस्तान, जो खुद मुस्लिम देश है, उसमें अपने ही समुदाय के बीच विश्वास खो दिया है। बता दें कि भारत में लगने वाला यह प्लांट सऊदी अरब की आरामको और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी का साझा प्रयास होगा। इसी साल अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में पीएम मोदी सऊदी अरब की यात्रा पर गए थे और पिछले 3 वर्षों में पीएम मोदी का सऊदी अरब में यह तीसरा दौरा था। पीएम मोदी का यह दौरा दोनों देशों के गर्मजोशी और रणनीति के तौर पर काफ़ी अहम था। जिस तरह एक के बाद एक मुस्लिम देश में पीएम मोदी को अपने देश का सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिया है, उसे दुनिया भारत के बदलते विदेश नीति का लोहा मानने के लिए मजबूर हो गई है और दुनिया का हर प्रभावशाली मुस्लिम देश पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि भारत के साथ खड़ा है, जो सीधे तौर में विश्व में भारत के बढ़ते राजनीतिक हैसियत को दर्शाता है।